दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टी20 मैच में जीत के साथ क्या भारतीय टीम रचेगी इतिहास या फिर कंगारू टीम पलटवार करते हुए करेगी सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बस थोड़ी देर में सबसे रोमांचक पहले टी20 मैच का बिगुल बजने वाला है। तो आखिरकार पहला टी20 मैच कब और कहां पर होगा ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीम की प्लेइंग 11 सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम श्रीलंका टीम के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेल रही थी, जहां पर टी20 सीरीज में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत मिल गई थी। लेकिन वनडे सीरीज में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोनों टीम के बीच टी20 और वनडे सीरीज बराबरी पर समाप्त हुई है। ऐसे में 40 दिनों के ब्रेक का बखूबी फायदा उठाते हुए बीसीसीआई ने अब दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की चिर प्रतिद्वंदी टीम ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया है, जहाँ अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आइए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों टीमों के बीच 5 मैच की रोमांचक टी20 सीरीज हिंदुस्तान की सरजमी पर होने वाली है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। आखिर हो भी क्यों ना, दोनों टीमों के बीच जब भी मुकाबला होता है तो रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर जाता है। इसकी गवाही खुद इतिहास देता है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों के बीच 33 बार टी20 में आमना सामना हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने सिर्फ 21 बार जीत हासिल की है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा साबित हुआ है। तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय सरजमी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच 15 मुकाबले खेले गए हैं और 4 सीरीज रही है, जहाँ पर भारतीय टीम ने 10 मैच और 3 सीरीज जीती है। तो वहीं दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 मैच और 1 सीरीज अपने नाम करी है। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा साबित हुआ है। ऐसे में अब दोनों टीम के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला रोमांचक टी20 मैच चेन्नई के चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस स्टेडियम पर अभी तक 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 2 मैच को पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है और 1 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीता है। तो वहीं इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 134 रन का है। इतना नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जिस मैदान पर एक मैच खेला गया तो वहीं इस मैदान पर भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 173 रन बनाया है और भारत ने इस मैदान पर खेलते हुए 3 में से 2 मैच अपने नाम किए हैं। ऐसे में अब जो भी कप्तान इस मैच में टॉस को जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगा और विरोधी टीम को अपनी शानदार गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित करेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच चेन्नई के चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। चेपाक की पिच भारत के बाकी स्टेडियमों को पिच की तुलना में काफी बेहतर है। इस पिच पर तेज गेंदबाज को शुरुआती ओवरों में मदद मिलती है। स्पिन गेंदबाज भी इस पिच पर काफी मदद पा सकते हैं, खासकर दूसरी पारी में जब पिच थोड़ी सूखी होती है तो गेंदबाज और आक्रामक हो जाते हैं। एक बार जब बल्लेबाज पिच पर सेट हो जाते हैं तो उन्हें बड़ा स्कोर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आमतौर पर चेपाक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम की पिच पर एक अच्छी पिच है। ये एक ऐसी पिच है जहां एक टीम को जीतने के लिए बैटिंग और बॉलिंग में दोनों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो विरोधी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से जैक फ्रेजर, मैगर्क और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करेंगे। तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान मिचेल मार्श, जोश इंग्लिश, मैथ्यू वैट और टिम डेविड खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में ग्लेन मैक्सवेल और मार्क स्टोइनिस को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं गेंदबाज के तौर पर एडम जंपा और तनवीर सांघा को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर सीन अबॉट, जैसन बैरनड्रॉफ और नेथन एलिस को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी खेलती हुई दिखाई देने वाली है। तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांडे और अक्षर पटेल को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद को टीम के अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त यानी कि आज बस थोड़ी देर में खेला जाने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान टॉस का समय 6:30 बजे का रहेगा। तो वहीं लाइव स्ट्रीमिंग 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आर स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर आप देख सकते हैं। तो वहीं हिंदी में कॉमेंट्री के साथ आप सिनेप्लेक्स चैनल पर इसका आनंद उठा सकते हैं और वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में इसका लाइव प्रसारण आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी नहीं है।
नहीं है, ऐसे में आप इस मैच का आनंद आसानी से मुफ्त में उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को खतरनाक सलामी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने ठोका दोहरा शतक तो खुद कप्तान रोहित शर्मा के भी उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसके दूसरे मैच में यशस्वी जायसवाल ने दूसरा शतक जड़ते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है और मैदान पर रनों की ऐसी बारिश की है जिसके सामने श्रीलंका का गेंदबाजी विभाग चारों खाने चित हो गया। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला टेस्ट मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी की शुरुआत करते हुए मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने श्रीलंका की टीम भी चारों खाने चित्त हो गई। दरअसल यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता पहले ही ओवर में सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव के जरिए खोला और बता दिया कि आज वो इसी अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले हैं। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए लाहिरू कुमारा के सामने यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगा दिए और तेज़ी से रन बनाते हुए भारतीय टीम को काफ़ी मजबूती दिलाने का कार्य इस मैच में करा दिया। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने आगे भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां पर उन्होंने 12 होकर के अंदर ही अपना अर्धशतक लाहिरू कुमारा के सामने छक्के के साथ में पूरा कर लिया। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, यशस्वी जायसवाल ने इसके बाद भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए दुरित वेलालागे के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के लगाते हुए पहले सत्र के अंतिम ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाने के बाद भी अपना तूफानी बल्लेबाजी को स्लो करने की कोशिश नहीं की, बल्कि और भी ज़्यादा तेज़ बल्लेबाजी करने का कार्य किया, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आए अस्तित्व फर्नांडो के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके 48 ओवर के अंदर लगा दिए और अपना 150 रन का आंकड़ा पार करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाने के साथ अपने दोहरे शतक के करीब अब पहुंचने लगे। इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और गेंदबाजी करने के लिए आए चबीरा करुणारत्ने के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए मात्र 57 ओवर के अंदर अपना दोहरा शतक शाही अंदाज में पूरा कर लिया और इसके बाद में अगले ओवर में इसी गेंदबाज के खिलाफ दिन के दूसरे सत्र के अंतिम ओवर में LBW आउट होकर अपना विकेट दे दिया। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक पूरा करने के बाद अपना विकेट दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 208 रनों का योगदान दिया। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने 22 चौके और 8 छक्कों की मदद से अपना दोहरा शतक पूरा किया। ऐसे में भारतीय टीम यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के दम पर पहले दिन 90 ओवर में 480 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना सकी, जिसे देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी की गई। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज के अंदर कितने रन बनाने का मौका मिलेगा, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आए संजू सैमसन और रिंकू सिंह का तूफान, टीम इंडिया को दिलाई बेहद ही रोमांचक मुकाबले में जीत। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच बेहद ही रोमांचक तरीके से आज खेला गया, जहां पर इस मैच में संजू सैमसन और रिंकू सिंह के साथ मिलकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के जरिए मिली भारतीय टीम को जीत के बारे में आपको बताएंगे ही, साथ में मैच की रोंगटे खड़ी कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और रिंकू सिंह में से कौन है भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अब बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच बांग्लादेश की टीम की तरफ से आज ओपनिंग करने के लिए तंसीम हसन, साकिब और लिटन दास मैदान पर आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देने का कार्य किया। इस दौरान 10 ओवर के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट के
95 रन बटोरे। लेकिन इस बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव ने टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने तंजीम हसन शाकिब को अर्धशतक लगाने के बाद 51 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नजमुल संतो मैदान पर आए, जिन्होंने आकर अपनी टीम को संभाला। इस दौरान कप्तान नजमुल संतो ने लेजेंड दास के साथ मिलकर मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश की, जिसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस बीच लेटन दास ने 12 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल के सामने एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगा दिए और बता दिया कि वो आज तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसी के साथ लिटन दास को 15 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तोहिद हृदय आए, जिन्होंने कप्तान के साथ तेजी से बल्लेबाजी की। इस बीच कप्तान नजमुल संतो ने 17 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे तोहिद हृदय भी काफी तेजी से बल्लेबाजी करने के बाद अपना विकेट 19 ओवर में दे बैठे, जहां पर मोहम्मद सिराज ने उनको विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान तोहिद हृदय ने